नमस्कार, आप देख रहे हैं सांदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां रैली प्रदर्शन को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। बिना अनुमति के सभा, रैली, धरना प्रदर्शन करना, इस पर प्रतिबंध है। लाइसेंसी हथियारों सहित अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखने पर कार्रवाई की जाएगी। तो ग्वालियर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बैनर और होर्डिंग्स पर भी भड़काऊ बातें लिखने पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्पीच एक आदेश कलेक्टर के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप सख्ती के साथ कहा गया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। रैली प्रदर्शन को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें बिना अनुमति के सभा, रैली, धरना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। लाइसेंसी हथियारों सहित अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें नहीं लिखनी है। बैनर और होर्डिंग्स पर भी भड़काऊ बातें लिखने पर रोक लगाई गई है। तो उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इस मामले को लेकर के फिलहाल कलेक्टर के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। तो ग्वालियर से इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां लाइसेंसी हथियारों सहित अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। विनोद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है कलेक्टर का ये आदेश और सख्त निर्देश? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, आने वाले कुछ महीनों में, 2-3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम तरह की रैलियां, धरने, प्रदर्शन कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, जो शासन से अनुमति नहीं लेते। प्रशासन के ये नियम होते हैं चुनाव के समय कि वो पहले अनुमति लें। हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन आचार संहिता से पहले कलेक्टर ने ये फरमान कुछ पहले ही जारी कर दिया है। कहीं से कुछ इनपुट भी मिल रहा था क्या? धरने, प्रदर्शन, रैलियों पर अब एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही कोई भी शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें विनोद, क्या पहले से कुछ इनपुट मिल रहे थे जिस आधार पर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तमाम सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, पिछले कुछ महीनों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि कई धरने प्रदर्शन ऐसे हो रहे हैं जिनको लेकर आलोचना हो रही है, जिनको लेकर लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब दूसरे राज्यों का अगर उदाहरण के तौर पर देखें, कुछ राज्यों में लगातार हिंसा बढ़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी इस तरह की जानकारियां प्रशासन के पास जरूर पहुंच रही होंगी। शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का ये आदेश जारी किया गया है। भले ही ये चुनावी आदेश हो, लेकिन आचार संहिता से पहले इस तरह का आदेश अगर जारी हुआ है तो कोई ना कोई इनपुट शासन के पास जरूर रहा होगा, जो सामाजिक स्थिति को कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की आशंका प्रदर्शित कर रहा होगा, और इसीलिए ये आदेश जारी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद इस पर जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर लाइसेंसी हथियारों सहित जो अन्य